नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों, आज एक बड़ी समस्या का निदान लेके आपके सामने आया हूँ। और ये समस्या बच्चों के लिए नई नहीं, बहुत पुरानी है। बहुत पहले की समस्या चल रही है कि फिजिक्स पढ़ते बहुत हैं लेकिन हो नहीं पाती है, क्वेश्चन नहीं निकलते। सर, मेरे पास बच्चे आते हैं, सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। सर, क्लास में तो सब समझ में आता है। सर, मैं लाया हूँ आपके लिए 7 बातें। 7। इन 7 बातों को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो ही आप फिजिक्स कर पाएंगे। क्योंकि भाई देखिए, हम लोग को पता है ना, हम लोग टीचर हैं फिजिक्स के, हम अपने तजुर्बे से आपको बताएंगे कि कैसे करना है। और आप हमारे तजुर्बे का फ़ायदा उठाएंगे तो आपसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। बेटा, सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखो, इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। इम्प्रूवमेंट बहुत ही धीमा प्रोसेस है। आपको अपना इम्प्रूवमेंट अपने प्रीवियस डे, पिछले दिन से बस देखना है कि पिछले दिन से और आज के दिन में क्या आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर थोड़ा बहुत भी हुआ है, एक आधा पौना क्वेश्चन भी आप कर पाए हैं, तो समझिएगा कि सही ट्रैक चल रहा है। यानी कि आपका पिछला दिन और आज के दिन में कोई अंतर अगर है और थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट हुई है चीज़ें, तो आप समझिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। देखिए, कुछ 7 बातें ध्यान रखिएगा मेरी, 7 बातों को आपको ऐसे ही करना है, ठीक। पहली बात, स्टडी एवरी डे, डेली पढ़िए। होता क्या बच्चे, एक दिन तो हाँ मैं फिजिक्स बहुत पढ़ डालूंगा, डरा लूंगी और मैं पूरा आज 10 घंटे फिजिक्स पढ़ लूंगी। नहीं नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स डेली डेली आपको 2 घंटे से 2.5-3 घंटे डेली पढ़नी है, डेली नियम पूर्वक। एक दिन में 10 घंटा एक दिन में एकदम नहीं पढ़े, 4 दिन बाद पढ़े, सब भूल जाओगे। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है, ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है, ये भूलता बहुत जल्दी है। आप भूल जाओगे चीजों को, फिर आप वही क्वेश्चन लगाओगे दोबारा तो आप नहीं कर पाओगे जो हमने पहली बार में लगा लिए थे। फिर आपको लो, हमसे अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। इसलिए चीज़ों को ध्यान रखिए, स्टडी एवरी डे, हर दिन पढ़िए फिजिक्स, हर दिन नियम बना के। उसमें कैसे पढ़ना है, उसमें आधा घंटा पुराना रिवीजन करना है। जो पुराना टॉपिक आप पढ़ चुके हो उसको आधा घंटा जरूर डेली रिवाइज करो, वो रिवीजन के लिए आधे से पौना घंटा समय, और लगभग 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा आपको रीसेंट वाला जो पढ़ना है, जो आप क्लास से पढ़ के आए हो, या क्वेश्चन लगाने हैं, या जैसे सपोज करो आप मान लो कोई टॉपिक है वेक्टर 1D 2D पढ़ चुके हो, तो 2D पढ़ रहे हो और वेक्टर 1D पुराना पढ़ चुके हो, तो वेक्टर 1D रिवाइज करो, उसको बांट लो छोटे छोटे पार्ट्स में कि आज इतना रिवाइज करना है, आज इतना रिवाइज करना है, फिर वापस से उतना ही रिवाइज करना है, ठीक। तो पहला पॉइंट है स्टडी एवरी डे, आप करके देखोगे बहुत अच्छा होगा। रीड टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत है, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो जरूर पढ़ो, बुक से अच्छा कोई टीचर नहीं होता, बुक इज द बेस्ट टीचर। लेकिन हाँ, अगर कहीं मान लीजिए आपके पास अवेलेबल कंटेंट आपको मिल रहा है, कहीं आपके पास, आजकल तो बहुत मॉडर्न टाइम चल रहा है, वीडियो क्लासेस भी होती हैं, तो वीडियो क्लासेस आपके पास अगर हो तो उसको देख लो, देखा करो, क्लास में टीचर ने पढ़ाया उसके बाद उसकी वीडियो क्लास भी देखो, या रिकॉल करो बैठ के चीजों को। वीडियो क्लास अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो टेक्स्ट बुक पढ़ो, जरूर करो ये चीज। रीड टेक्स्ट बुक वीडियो कॉल फॉर क्लासरूम, देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, आपको बताया आज 1D आप पढ़े हो, 1D में ग्राफ पढ़ाए जाने वाले हैं आपको,
तो अगर कहीं ग्राफ आपकी किताबों में दिया है तो उसको एक बार पढ़ो, बहुत थॉरो नहीं पढ़ पाओगे, वो तो टीचर पढ़ाएगा, बहुत थॉरो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देखो, देख के जाओ, या कोई वीडियो क्लास आपके पास अवेलेबल है तो देख के जाओ उसको। आधे एक घंटे की क्लास वीडियो क्लास होती है, जिसमें ऑफलाइन अगर आप क्लास करने जाते हो तो दो घंटे का मैटर वो डेढ़ घंटे में ही वीडियो क्लास में होता है, वो एक बार देख लो, एक बार निगाह मार लो, सुन लो पूरा। अब ये देखो ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए है, देखो मान लो तुम क्लास में गए या आजकल देखो जैसे कोई बात हो रही है, कोई भी डिबेट चल रही है, नासा के बारे में डिबेट चल रही है, 10 लोग बैठे हैं नासा के बारे में बात कर रहे हैं, या हमें पता ही नहीं नासा है क्या चीज़, तो उस जगह पे बैठ के हम तो सिर्फ बोर होंगे और हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, ना हमारा मन लगेगा, हम तो जानते ही नहीं नासा क्या चीज़ है, हमें पता नहीं, हमें लग रहा है नासा लगता कोई राजस्थानी वर्ड है, क्योंकि वहाँ सा लगाते हैं ना भाई साहब, तो लगेगा कोई नासा नाना वाना का कोई वर्ड है। तो ये जब टॉपिक के बारे में पता होगा, अगर मान लो तुम्हें नासा के बारे में पता कि नहीं वो स्पेस रिसर्च कंपनी है और यहाँ यहाँ ये चीज़ें होती हैं, तो तुम्हें उस डिबेट में मज़ा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वही करना है, पढ़ के जाओ, थोड़ा पढ़ के जाओ, जो टीचर पढ़ाने वाला है उसको देख के जाओ, वीडियो क्लास देख के जाओ या टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओ, जो भी अवेलेबल तुम्हारे पास हो, उस टॉपिक को थोड़ा देख लो, फिर देखना तुम्हें मजा ना आए क्लास में तो कहना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये टेक्निक्स लगाओ, 7 बातें ध्यान रखो, और फिर फिजिक्स इंप्रूव ना हो तो आना मेरा कॉलर पकड़ लेना यहां पर, लेकिन होगी जरूर, देखना तो, लेकिन ये चीजें तुमको करनी पड़ेंगी। अटेंड क्लास रेगुलरली एंड एक्टिवली, क्लासेस रेगुलर। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट होके चलती है, रिलेशन है सब में। अगर क्लास गैप हो गई तो बेटा वो पूरा टॉपिक खराब होता है आपका, पूरा टॉपिक बर्बाद हो जाता है आपका। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर। कोशिश करो कि कोई भी सिंगल क्लास मिस ना हो, मजबूरी, जब तक बहुत मजबूरी ना हो जाए। हाँ कभी कभार बहुत मजबूरी हो जाती है, हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, मान लीजिए अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया हमको, तो छोड़ दो, लेकिन अगर जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है ना, तुम वहाँ जा सकते हो क्लास करने, क्लास मत छोड़ो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास छोड़ोगे तो वो पूरा टॉपिक बर्बाद होगा। एक्टिवली, ये देखिए पॉइंट, एक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिवली मतलब आप क्लास में गए, क्लास तो रोज जा रहे हैं लेकिन पीछे जाके बैठ के बातें कर रहे हैं, बगल बैठ गए और क्या हाल, और बताओ भाभी जी मिली थी, यही बातें कर रहे हैं बैठ के, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, एक्टिव है ही नहीं आप, मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम ये रील, कोई मतलब नहीं है उसका, व्हाट्सएप चला रहे हैं। एक्टिव क्लास, एक्टिव अटेंड करो। सर बोल रहे हैं, सर ने कहा कैलकुलेट करो, खट से कैलकुलेशन शुरू। सर ने कहा कि बोलो वेलोसिटी, अगर बोलो ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, सर ने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो थ्रेट से बोलो एक्सेलरेशन जीरो। पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो एक्टिवली क्लास अटेंड करो, सर से पूछो चीजों को, जब पढ़ के जाओगे ना, मैंने अभी इससे पहले बताया कि पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हें चीजों का ज्ञान होगा, फिर तुम उसमें क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा करें, तो तुम सोच सकते हो, और जिस दिन ये शुरू हो जाएगा ना उस दिन समझ लो तुमको फिजिक्स आ जाएगी, समझे। और रेगुलर ये प्रोसेस करना, ये नहीं कि 2 दिन कर लिया हो गया, ना पूरे साल इसी तरीके से चलना, ठीक। 5वां पॉइंट, सॉल्व बुकलेट क्वेश्चंस इटसेल्फ। ये क्या मतलब है, ये मतलब है जैसे जो क्वेश्चन आपको कराए गए, जैसे हम हमारी I&I कोचिंग में तो हम बुकलेट देते हैं, तो और जगह कई जगह कोचिंग से आपको क्वेश्चन टीचर कराता है, उन क्वेश्चंस को जाओ घर पे एक बार समझ लो क्वेश्चन, फिर उसका सोल्यूशन ढक लो, फिर तुम उसको खुद समझ के सॉल्व करो, देखो सॉल्व होता है कि नहीं। सॉल्व करने के बाद फिर तुम उसे सोल्यूशन से मिलाओ कि जो सर ने कराया था क्लास में, उसके बाद देखो कि तुम कितना सही कितना गलत, तुमने क्या सोचा
तुम किस मेथड को फॉलो करे, सर ने किस मेथड से बताया था, तुम्हारी क्या गलती है, तुमने कौन सा और अच्छा कर लिया, सर से ज़्यादा अच्छा कर लिया। ऐसा होगा, तुम सर से ज़्यादा अच्छा कर लोगे, है ना। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुकलेट के क्वेश्चन आप आओ उसके बाद जैसे क्लास करके आओ, फिजिक्स जब पढ़ने बैठो उस दिन जो पढ़ाया गया है, अपनी बुकलेट निकालो अपना या नोट्स निकालो और वो क्वेश्चंस पढ़ो, सोल्यूशन ढको, सॉल्व करो, कोशिश करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखोगी क्या चीज़ें हैं। ये रेगुलर बेसिस पे काम करो, ठीक। सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये क्या है ये प्रॉब्लम, जब टीचर तुम्हारा क्लास में बोले कि भैया अब तुम लोग को ये क्वेश्चंस लगाने हैं, अब मैंने तुमको सारी थ्योरी पढ़ा दी है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है, तैयार कर दिया है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन तुम्हें को लगाने हैं। हर जगह असाइनमेंट मिलते हैं या असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल रहते हैं, आजकल तो गूगल पे बहुत असाइनमेंट मिल जाएंगे, असाइनमेंट निकलवाओ, या पूरी थ्योरी तैयार कर लो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम्स लगाओ। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा होगा। और डेली का एक टारगेट बनाओ, टारगेट, और बहुत बड़ा टारगेट नहीं, छोटा टारगेट, कि आज मुझे फिजिक्स में 25 क्वेश्चन लगाने हैं, तो 25 लगाने हैं। ये नहीं कि आज मुझे फिजिक्स में 500 क्वेश्चन लगाने हैं, वो टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा, डिप्रेशन भी हो जाएगा। 25 25 के छोटे छोटे टारगेट बनाओ, वो लगाओ, प्रैक्टिस करो उसको, फिर डिस्कस करो अपने टीचर से, डाउट पूछो, ठीक। ये जरूर, ये रेगुलर काम में ये चीजें लाओ, रेगुलर प्रैक्टिस में ये चीजें लाओ, तो ही कुछ अच्छा होगा, ठीक। और एक लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट हैव पेशेंस, धैर्य रखो, ये बहुत जरूरी है। पता चला 20 दिन फिजिक्स पढ़ ली और सोचने लगे कि अब हम फिजिक्स के सारे क्वेश्चन करने वाले हो जाएंगे, हम आइंस्टीन से भी ज़्यादा होशियार हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिक्स धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा, पर डे 0.1% का इंप्रूवमेंट हो सकता हो, और अगर हो रहा है इंप्रूवमेंट तो समझो बहुत अच्छा होगा। और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते 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 बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नीट का जो पेपर बन रहा है, आईआईटी मेंस जो बन रहा है, वो सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना ही नहीं रहे। फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री से थोड़ी अलग है, उसमें तो सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ क्या है नया क्वेश्चन, कोई भी मन करा चार चीज़ें जानकारी मिला दी और क्वेश्चन बना दिया। अब तुम्हें चारों चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, समझे। इसलिए धीरे धीरे, जब तुमको पूरी एक वास्ट नॉलेज तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे क्रिएट होगी, ये नहीं कि आज टीचर ने तुमको वेक्टर पढ़ा दिया तो तुम अगले दिन ये निकल आए वेक्टर के, तुमने 200 200 क्वेश्चन कर डाले, तुम बन गए वेक्टर के महाज्ञाता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे। धीरे धीरे होगा, हो सकता है तुम 100 क्वेश्चन की शीट तुमको मिले, हो सकता है 20 ही क्वेश्चन लगा पाओ, वो मैं जितना कह रहा हूँ उसको करने के बाद तुम 20 लगा पाओगे। इसलिए और ये बस सोचो कि तुम्हारे अंदर कल से और आज में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो समझ लो गलत जा रहे हो, और अगर कल से आज में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट है तो ठीक जा रहे हो। ये 7 बातें फॉलो कर लोगे, फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन ये 7 बातें फॉलो करो और इनको लिख के रख लो, जिस टेबल पे पढ़ते हो वहां चिपका लो, ये 7 चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है बच्चों। और पढ़ो करो मेहनत करो, बहुत अच्छी फिजिक्स तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है।